हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। डालने के लिए मैडम बात भी कराएंगे ना, इसी पे करवाऊंगी सर आपका सेटलमेंट। ठीक है मैडम, मैं जो है ना, आप एक काम करो, पता है सर, बात करिए, आप बात कम करिए। सुन तो लो, आपको पैसे देने हैं नहीं, रखिए फोन। सुन तो जाओ। कैसे हो हमारे सभी भाइयों? तो भाइयों, यहाँ पर पहले तो भोंदू कॉलर है, जो कि लड़की है, जिसकी आप उसकी बातें सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में भोंदू है। तो भोंदू लड़की है, उससे बात हुई। उसके बाद मैनेजर से बात हुई, बाकी सेटलमेंट की दोनों से ही बात हुई है। तो एंड में मैनेजर कह रही है कि अगर आप 10 साल बाद भी कराओगे ना तो मेरे पास होगा, या मैं इतने परसेंट में सेटलमेंट कराऊँगी, 75% या 70% में आपका। तो भाइयों, आप में से बहुत से भाई कहते हैं सर राइट ऑफ हो गया, सर 7 मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए, सर 9 मंथ हो गए, सर 30% से नीचे नहीं। यार आप बोलते हो सर 20 में करेगा, 25 में करेगा। तो भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर छोटी सी बात ये है, मान लो चोट जिसको लगती है तो पट्टी वही कराने जाएगा, डॉक्टर उसके घर नहीं आता। डॉक्टर बोलेगा हाँ जी भाई साहब, आज मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ, चोट लगी है ना आपको, मैं आपको पट्टी करके दूंगा। तो भाई वैसा ही सीन है, जिसको पैसे चाहिए वो आपके टट्टे से रहेगा, ना कि आप उसके टट्टे। आपको नहीं देना, आप ये बात दिमाग में बिठा लो, उसको लेना है, उसको लॉस हो रहा है, आपको नहीं हो रहा। तो आप ये बात दिमाग में बिठा के रखो कि मुझे लॉस नहीं हो रहा, मुझे टट्टे सहराने नहीं है, सामने वाला आकर मेरे टट्टे सहराएगा। तो आप चिंता मत लिया करो, सामने से वो ऑफर देता है ठीक है, नहीं देता तो भाई कोई नहीं, 9 महीने जब काट लिए साला, काट लेंगे आगे भी, इतनी गाली गलौज तो सुन ही लिए। तो भाई एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, जैसा कि मैंने आपको बताया, भाई आपका कोई नुकसान नहीं है। जब इतना नुकसान हो ही चुका है, जब रिलेटिव में बजा दिया, ऑफिस में बजा दिया, हर जगह तुमने मारी ली, तो भाई मैं नहीं देता पैसे, ले लो मुझसे पैसे कैसे लोगे। तो बस आपको नहीं देना है, उनको लेना है। तो आप टट्टे खुजाना बंद करो, सामने वाला आपके आके टट्टे खुजाएगा। और बाकी जो पहली कॉलर है, मैंने आपको बताया बंधु है, काफ़ी मज़ेदार बात हुई है, सेटलमेंट के ऊपर भी हुई है और वैसे भी हैं। तो बस सुन के आप बताना कमेंट में कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है भाई। वो हंसत रहो, मस्त रहो, और रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या बात हुई। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। राजकुमार जी कैसे हो? हेलो मैडम, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। आज ये घर पे मैं भी बढ़िया हूँ सर। क्या हुआ, कॉल वॉल नहीं पिक करते हो, जवाब नहीं देते हो सर? ऐसी बातें कर दी मैडम, आपका जवाब नहीं देंगे तो किसका जवाब देंगे सर? मैंने परसों आपको कितने कॉल किया, आपने कॉल चेक किया? मैडम हमसे गलती हो गई, हमने नहीं उठाया, हम भी आप संडे आते जो है, एक मिनट, परसों, हाँ कल नहीं, कल संडे थे, सैटरडे किया था सर मैंने आपको। हमसे गलती हो गई, आपका नंबर सेव कर लेंगे, हमने कॉल पिक नहीं किया आपका। हाँ अच्छा, दिव्या नाम है मेरा सर। ये क्या नाम है, AU से बात कर रही हूँ। AU का पेमेंट चल रहा है ना सर, क्या रीजन है पेमेंट नहीं करा रहे हो सर? दिव्या जी आप AU में कब से काम कर रही हो? मैं अभी से कर रही हूँ। क्या हुआ अभी से, मतलब 1 साल हो गया, क्यों, आपको क्या करना है इससे? मैं तो पूछ लिया, आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, बुरा लगने वाली बात नहीं है, आप मुझे पेमेंट का तो बताओ, क्या हुआ, क्या रीजन है? पेमेंट का देखो, मैं मतलब बता तो देता हूँ, फिर मैं बताने के बाद आप लोग सॉल्यूशन बताएंगे? सॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन आप लोग नाराज हो जाते हो। नहीं नाराज क्या हो जाते हैं, आप मुझे बताओ सर। देखो पेमेंट तो आपने यूज आवाज किया, नहीं 3,13,221 रुपए यूज किए सर आप। एक मिनट डिब्बे जी रुक, हेलो। नहीं मैं बता तो दूंगा, लेकिन सर मतलब ये रियलिटी है, नाराज हो जाती है, मतलब लड़कियां भी लड़के भी नाराज हो जाते हैं सर। आप मुझे बताओ, मतलब पेमेंट आप नहीं देना चाहते राइट, इंटेंशन इशू है? मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं अभी सर। फिर आप पैसा दोगे, हम क्यों नहीं लेंगे? अगर आपको कोई प्रॉब्लम देने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, आप लोग नाराज हो जाते हो। मतलब नाराज तो तभी हो जाएंगे ना जब आप पेमेंट नहीं कराओगे, या हम आपकी हेल्प करेंगे और हेल्प। जैसे मैं पेमेंट नहीं कराऊंगा आप नाराज हो जाते हो सच में? नहीं नहीं तो मैडम, मैं जो है ना पेमेंट नहीं दूंगा। क्यों सर, रीजन? रीजन कुछ नहीं मैडम, अभी मैडम मैंने एक वाटर पार्क बनवा लिया अपना। अच्छा वाटर पार्क बनवा, बेनिफिट बहुत था उसमें, तो वाटर पार्क बनवा लिया है। हाँ
तो अब तो क्या कोई है ना बात वो नहीं सर, आप पैसा मत दो, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा मत दो, पैसा नहीं चाहिए आपसे, आप मिल तो सकते हैं सर। मैडम मिलने के बाद रोटेट की बात करोगी? जी बिल्कुल, पता ही होगा आपने करवाया इससे पहले। करवाया नहीं है मैडम, मैं कलेक्शन ही काफी अच्छी नॉलेज रखता हूँ। तो सर आप कलेक्शन ही करते हो? कलेक्शन की नॉलेज रखता हूँ मैडम। पता है अभी मैं एक रील देख रहा था, हाँ उसमें क्या हुआ, एक जादूगर जादू कर रहा था, तो उसने जो है ना दूसरा डिब्बा उठाया अपना जो कि रखा हुआ था, अब वो डिब्बा खोला वहां से एकदम खरगोश निकला बाहर, तो उसमें उसके हाथ में सफाई नहीं है, जो खरगोश डिब्बे से निकाल रहा था सबके सामने गिर गया, वो क्या जादूगर बनेगा। सफाई और बिना सफाई वाली आप नॉलेज रखते तो आपको पता ही होगा रोटेशन में क्या होता है क्या नहीं होता। मैडम रोटेशन में ये तो होता है ना, रोटेशन में ये होता है कि जैसे आप डालोगे और आप निकाल लोगे, चार्जेस आप ले लोगे, मेरी कोई गेम से कुछ नहीं जा रहा, और मेरा कार्ड मेरे पास वापस। प्लस में क्या है, अगर जैसे मेरे पास तीन कार्ड है, मैं दो की कर पा रहा हूँ, एक की नहीं कर पा रहा, तो मैं रोटेट करा लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन मेरा दूसरा इंटेंशन है, मैं इसका पेमेंट दूंगा, सेटल करना चाहता हूँ मैं इसको, अभी नहीं करूंगा मतलब आराम से 4-5 महीने बाद। तो सर मैं आपको ये चीज तो बता रही हूँ, अगर आप 4-5 महीने बाद सेटल करना चाहते हो राइट, आपको ये चीज पता होगा, अगर आप नॉलेज रखते हो हर चीज की तो आपको ये भी पता हो, एयू अपने चार्जेस कभी कम नहीं करता राइट, और प्लस आपका टोटल अमाउंट पे सेटलमेंट होता है। मैडम एयू का, एयू का सेटलमेंट का परसेंटेज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू का परसेंटेज है 20% सेटल। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैक्सिमम जो होता है ना सेटल 20% में आराम से कर देता है। हाँ और उसमें आपका, आपको पता होगा प्रिंसिपल पे नहीं करता है वो, टोटल अमाउंट पे आपका सेटल करता है। मैडम कैसी बात है, आप एक मिनट, आप मान लो इस समय क्या मेरे, मतलब क्या है इस समय मेरा अमाउंट आप, आपका मेरे पास जो शो कर रहा है वो है 3,13,221। कितने? 3,13,221। 3,221। अब आप ये बताओ कौन से बकेट में है ये? 2 में। 2 में मंथली चार्ज कितना लगता है आपको पता होगा ना सर, कितना लगता है आपके ऐप पे शो करता होगा सर, आप बता दो क्या दिक्कत है, आपको भी तो बताओ। आप मैं तो बता दूंगी लेकिन आपको भी तो पता होगा ना कि आपके ऐप में कितना शो करता है, मंथली लगता है ये। मैडम ऐप देखना, मंथली लगता है वो तो, लेकिन ऐप देखना पड़ेगा मेरे को कितना लगता है मंथली। कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो कितना टाइम लगेगा ऐप देखने में सर। चलो छोड़ो मैडम, अभी बकेट 2 में हम मान लेते हैं आपका राइट ऑफ तक चार्जेस लगते हैं, ठीक है, तो आप मान लो इसका अगर हम नॉर्मल से कैलकुलेशन करें 30% मान लो एक्स्ट्रा ऑल लग जाएगा, यानी 93,000 करीबन मान लो आप समथिंग, यानी पूरा 4 लाख मान लो, तो 4 लाख बनेगा। कहाँ चलेंगे मैडम? हेलो हेलो, हाँ जी 4 लाख हो जाएगा। 3% लगता है सर आपको? 3% लगता है ना, तो 3 चौका माने हम, 3 चौका नहीं 3 पंजे मान लें, 15% मान लो आप, 15 का 20 मान लो, 3,13,000 आपका 221 रुपये गुणा 30% बटा 100, तो यानी टोटल वो ये 93,000, यानी 4 लाख मान लो, 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख का अगर हम परसेंटेज निकालें 20%, तो ये 80,000 में सेटल हो जाएगा आराम से। और आज अगर मैं एनपीए के बाद वेवर लूंगा तो आप दोगे 50% का, 50% में मेरा लॉस, 25% दे दोगे एनपीए के बाद? तो सर मैं, मेरा कहना है आप सेटलमेंट ही कराओ, सेटलमेंट का अच्छा ईयरली क्लोजिंग होती है फरवरी मार्च में सर। अगर आप अभी रोटेट करा ले तो हर महीने आपका मैं रोटेट करते रहूंगी सर, ठीक है, जब आपको सेटलमेंट पर अच्छा ही ऑफर चाहिए, आप यही सोच के बैठे हो कि मेरे को ऑफर चाहिए, तो ईयरली क्लोजिंग में करवा लेना, मैं आपको आप, बता दूंगी। आप ये बोलने जा रही हो फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो तब? हाँ हाँ, मतलब जब आप देखो 4-5 महीने आप सेटलमेंट के लिए वैसे भी बोल रहे हो, प्लस आपका इसमें चार्ज लग लग के इंक्लूड होके आपका अमाउंट बढ़ ही जाएगा राइट सर। अभी आप मुझे इतना टाइम दे दो कि आपका हर महीने रोटेट मैं करती रहूंगी, हर महीने रोटेट करती रहूंगी, ठीक है सर है। और जब आपका फरवरी मार्च आएगा उसमें आपका बेस्ट ऑफर निकलता है, बैंक कम से कम में देता है, उसमें मैं आपका सेटल करवा के आपका लेटर डलवा दूंगी, वो आप 80 बोल रहे हो, 80 से भी कम में हो जाएगा। मैडम एक बात, ईयरली क्लोजिंग में आपको तो पता ही है। नहीं नहीं बुरा जमाना भी सर, आपकी यही बात तो अच्छी लगती है।
आप टीएल हो क्या? नहीं नहीं सर, मैं टीएल कहाँ, तो आप मतलब जैसे आप कौन हो? मैं समझ लो आप रोटेट करा लोगे मेरी जॉब बच जाएगी। मतलब कोई तो हो गया, एफओएस तो होते नहीं है, लड़कियां लड़कियां कॉलर होती हैं या फिर कोई सीनियर हो? कॉलर ही हूँ। कॉलर, अच्छा टीएल ने कह रखा होगा रोटेट की बात करने को आपसे। नहीं नहीं मतलब पूरी कॉल मैं ही हैंडल करती। अच्छा आपके पास रोट मतलब आपके पास भी इंसेंटिव होता है रोटेट में? नहीं मतलब इंसेंटिव होता है ना रोटेट, तभी तो कराता है बंदा जब उसका बेनिफिट हो, इंसेंटिव बनता है उसका। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, पहली बार देख रहा हूँ। बिना किसी फायदे के आप चार्जेस दे रही हो अपनी जिम से? मैं चार्जेस नहीं दे रही हूँ, बाकी आगे कंपनी वाले करते हैं ना सर। हाँ तो मतलब वही है, आपका जो सीनियर हाँ। मैनेजर वगैरह होंगे ना, उन्होंने कह रखा होगा। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने कह रखा होगा कि दिव्या जी आप ऐसे बात कर लिया करो, हम करवा दे करेंगे और आपकी भी जॉब मतलब हमारी भी इंसेंटिव वगैरह आ जाएगा। इसी लाइन में जॉब करते हो, आपको एक्सपीरियंस है, सारी चीजें आपको पता है सर। मैं आपसे ये तो पूछने वाला था, आपसे मैं हाँ पूछो, आप क्या पूछने वाले? चलिए पहले आप बोलिए, आपकी बात अच्छी लग रही है। हाँ तो मैं वही चीज आपको बोल रही हूँ कि आपको सारी चीजें पता है, तो सर आप रोटेशन के लिए क्यों मना कर रहे हैं? रोटेशन में आपका नुकसान नहीं, प्लस आपका सिविल भी बचता रहेगा और पेनल्टी चार्ज भी हर महीने बचते रहेंगे, ये वो चीज तो आपको भी पता ही होगा, अभी प्लस समझ लो, मेरी जॉब अभी भी तो बचती हमारी रहेगी। हमारी बात आपसे शुरू हुई है, अभी हाँ चार जी पांच बताइए। मिनट और बात की जाएगी, तो 4-5 मिनट में आपको सब कुछ बताऊंगा मैं क्यों मना कर रहा हूँ। बाकी मैं आपसे अच्छा ये पूछ ठीक रहा था कि आप कितने टाइम से जॉब कर रही हो, ये है। कितने टाइम अब से सर करते हैं? ये फिर आप पर्सनल चीजें पूछ रहे हो, वो मैं अलाउ नहीं है मैडम सर मैं बता दे तो सकती। नहीं, मैडम कैसी बातें कर रही है, रोटेट भी तो अलाउ नहीं था, आपने रोटेट की बातें कर ली। नहीं रोटेट अलाउ अगर ऐसा नहीं है सर, इस टाइम पे सब रोटेट कर रहे हैं, एचडीएफसी भी कर रहा है, एक्सिस भी कर आप रहा है समझे नहीं, और अदर। हाँ आप हाँ समझे नहीं, रोटेट पे एस्केलेशन भी डल सकती है, ऐसे डायरेक्ट कोई रोटेट की बात नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ मतलब ऊपर से बैंक की तरफ से अलाउ नहीं है। डायरेक्ट क्यों सर, आप मिल लीजिए ना, मैं डायरेक्ट बोल ही नहीं रही, चलो आपसे आपसे बोल तो रही हूँ मैं सर, आप मिल लीजिए, मतलब आपसे मैडम मिल के बात करते हैं। एक बता दीजिए रिफंड फेयर आपको कितना टाइम हो गया कलेक्शन करते हुए, रिकवरी करते हुए? 3 इयर्स 2 ईयर 3 ईयर तो मतलब आप डीआरए तो होगी वैसे, जिस हिसाब से आप बात कर रही हो डीआरए तो मुझे लग रही है। अच्छा तो मैं आपको मतलब बहुत कम शब्दों में बताया था, आप पूछ रही हो कि रोटेट क्यों नहीं कराना चाहता मैं, हाँ जी बोलिए सर। वो मैडम इसलिए नहीं कराना चाहता क्योंकि आप सामने वाले को ये समझ रही हो अभी इसको पूरी नॉलेज नहीं है। तो देखो मैं बैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैंक मेरा नहीं है, मैं कस्टमर के फेवर में जाऊंगी। अच्छा नहीं आप मैडम आप देखो समझे नहीं अगर मेरे आप कहने अभी का मतलब सेटलमेंट नहीं। कराने के लिए रेडी होते हो तो मैं सर आपका अभी भी सेटलमेंट कर दूंगी, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, लेकिन आप कह रहे हो 4-5 महीने में लूंगा सेटलमेंट के लिए, तो मैं उसी चीज के लिए आपको बोल रही हूँ, तो आप ये कर सकते हो, मतलब रोटेशन कर सकते हो सर, जिससे दिव्या जी आपका भी बेनिफिट आप, हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा सर, हर मंथ मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा सर। मैंने आप जैसी मतलब बहुत ही भोली वाली कॉलर बहुत कम देखी है, आप इतनी भोली वाली कॉलर हो ना एक तरीके से। दो बातें मैं कहूंगा कि आप अभी ये समझ लो कि सामने वाला कस्टमर जो है ना नॉलेज तो है उसे लेकिन अभी थोड़ी सी कम है या आपको कम है। नहीं मैं इतना टाइम पता है क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि जो मैं एनपीए आपसे करने के लिए ना सर। नहीं एनपीए करने के लिए हाँ नहीं, जो मैं आपसे हाँ वेबर मांग रहा हूँ ना 20% का, वो वेबर मुझे तभी मिल सकता है जब ये केस राइट ऑफ या विंटेज के बीच में हो, जब हम आपको दिखा देंगे ना कि लोन मर गया नहीं देगा कस्टमर, तभी आप वो वेबर दोगे कि लो भैया 20% में कर लो। और आप जो कह रही हो फाइनेंशियल ईयर एंड में, तो फाइनेंशियल ईयर एंड तक या उससे पहले ही मैं करवा लूंगा 20%, बाकी फाइनेंशियल ईयर में तो दे ही देते हैं क्योंकि अब देख गया केस मॉर्गेज है, देना पड़ेगा, कस्टमर पैसे देगा नहीं, तो फाइनेंशियल ईयर में तो बहुत बहुत सस्ता। आपको मैं आईडीएफसी और इंडसइंड का बताऊं, इंडसइंड का मेरे पास 8.3% का लेटर है और आईडीएफसी का 7% का, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ उसका है। हेलो 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 दिव्या जी, क्या हुआ, म्यूट कर दिया या कुछ दिक्कत हो गई मेरे यार? हेलो हेलो हाँ जी दिव्या हेलो जी, कहाँ चले जाती हो मैडम आप? सर मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ, एक बार बात कर लीजिए राजकुमार जी। मैडम आपके सीनियर का नाम तो बता दो, सीनियर क्या का नाम तो बता दो। मैं बता दूंगी वो आपको। बाकी मैडम मतलब जाते जाते आप ट्रांसफर कर दिए कोई नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बाकी आप ट्रांसफर करो सीनियर से बात कर लेते। मैं अभी फिर दोबारा आपसे
पास कॉल कर लो, सीमा के पास कॉल कर लो, वो सेटलमेंट के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है मैडम। हेलो, हेलो, हाँ जी, राजकुमार जी बात कर रहे हैं? जी राजकुमार जी बात कर रहे हैं, आप कौन? नमस्कार, एयू बैंक से बात कर रही थी, विकास ब्रांच से, सपना। सपना जी बताइए। सपना जी, जी सर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं? आप तो बैंकर हो। जी जी जी, अभी नहीं करना चाहता, मैंने मैडम से कहा था 4-5-6 महीने बाद करेंगे। मैडम ने कहा आपकी बात करा देते हैं, इसीलिए मैंने कहा ठीक है सर। तो सर मैं आपको सही ऑफर दे देती हूँ, जो आगे जाके होगा वही इसी ऑफर में हो जाएगा। बताइए ऑफर। सर आपका अभी जो आउटस्टैंडिंग है वो 2 लाख रुपए, 2,98,000 है। 2,98,000 465 रुपए। मैडम तो बता रही है आउटस्टैंडिंग 3,13,000 है। नहीं सर, अभी आपके आउटस्टैंडिंग है 2,98,465 रुपए, मैं सिस्टम पे चेक करके ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 20% वेव ऑफ दे देती हूँ, मतलब 80% का सेटल। हाँ 80% पे करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं तो मैं और भी थोड़ा सा कर सकती हूँ मैडम। इसको ना, इसको आप 75 कहना चाह रही हो, मतलब और थोड़ा का मतलब 75% में सेटल, ये कहना चाह रही हूँ। हाँ 75 या 70 तक मैं आपका लेटर जनरेट करा दूंगी। अकॉर्डिंग टू, चलिए पहले आप बोलिए सर, आपको 30% का वेव ऑफ दिलवा देंगे और 70% लेना है तो आपको लेटर जनरेट करा देंगे। होल्ड कीजिएगा, इनका प्रिंसिपल प्लस जीएसटी कितना आ रहा है? जी होल्ड कीजिएगा सर। होल्ड कीजिएगा सर। यस मैडम, होल्ड करो। ओए आवाज नहीं। यस यस यस। सर आपका 1,91,100 में सेटलमेंट हो जाएगा सर आपका, 1,00,000 दो किस्तें बनवा दी जाएगी। हाँ जी मैडम, मैं आपसे दो बातें कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। पहले तो मैं ओटीएस करता हूँ जब भी सेटल करता हूँ, और दूसरी बात जो आप वेवर दे रही हो 75 या 70% मतलब सेटल दे रही हो, वो 250+ या 250 DPD में 20% पा जाएगा, और अभी नहीं आएगा तो फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा तब आ जाएगा 20%। कितना परसेंट आ जाएगा? 20% का सेटल, 20% में सेटलमेंट करेंगे। आप 3,00,000 रुपए खर्चा करेंगे और 20% में सेटलमेंट करेंगे, वो पॉसिबल ऐसे होगा? वो पॉसिबल ऐसे होगा जब दिख जाएगा ना आपको भी लोन मर गया, नहीं देगा कस्टमर। अच्छा। तो प्यार से आप कहोगे बाबूजी कर लो, और ऊपर से फाइनेंशियल एंड में तो और ज्यादा जल्दी कहोगे बाबूजी कर लो, क्योंकि इसलिए डिमांड या जरूरत, डिमांड कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है, बैंक को जरूरत है, कस्टमर को नहीं है। आप वैसे है कौन सर? मैं कौन? हाँ आपने जिस कस्टमर को कॉल लगाया मैं वो बोल रहा हूँ। आप राजकुमार तो नहीं है मैडम? आप कैसे कह सकती हो मैं नहीं हूँ? क्योंकि सर मिस्टर राजकुमार की ना एज 64 का बॉर्न है, ठीक है, और आपकी एज ना कुछ 30 या 27 के अराउंड की आवाज है मैडम। आप रियलिटी बताओ, रियलिटी बताओ। मैंने उनके बेटे बात कर रहे हैं। नहीं मैंने एक बंदे से बात की थी। हाँ। आपको रियलिटी बताओ तो उसकी उम्र थी कुछ, वो अपने मुझे 42 बता रहा था। अच्छा। अगर आप उसकी आवाज सुन लेगी तो कहोगे कि 26 या 24 साल का है, बस आवाज से। सर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग हो और आप कह रहे हो कि मर जाएगा तो ऐसे पैसा देंगे और वैसे पैसा देंगे, तो मैंने जब तक मैनेज करेंगे आप राइट ऑफ तक मैनेज करेंगे तब तक आप सोच रहे हो कि इसके ऊपर इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा? कितना हो जाएगा चलिए आप बताइए। मैं कह रहा हूँ 4,00,000 हो जाएगा इंटरेस्ट लगते, ठीक है। अच्छा, और उतने पैसे जाकर आप 20% सेटलमेंट करेंगे तब भी 1,50,000 रुपए बैठेगा? मैडम 80,000 रुपए बैठेगा। कर लेना 20% आप कैलकुलेट कर लेना 4,00,000 का, और प्लस में ना हम ओटीएस करते हैं यानी वन टाइम सेटल। अच्छा, आपका नाम क्या बताया था आपने? सर सपना। सपना जी, वो मैडम कुछ रोटेट के बारे में भी बता रही थी। क्या रोटेट? सर मैं रोटेट के बारे में नहीं कुछ जानती हूँ, बाकी मैं आपका सेटलमेंट करा देती हूँ, बस इतना मैं कर सकती हूँ। अच्छा आप सेटलमेंट वाली मैनेजर हो सपना जी? नहीं जी, मैंने आपको बताई दिया कंडीशन, तो अभी तो खैर आप अपनी तरफ से समझ ही गई, बाकी छोड़ दो इसको अभी। अच्छा अच्छा
आपको करना ही नहीं है सर, इंटेंशन इशू है ना। हाँ कह सकती हो आप, बोलिए मैं कि आपके पास बुरा नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, आप कह सकती हो इंटेंशन इशू, बिल्कुल कह सकती हो। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, आप टेक कर रही हूँ मैं कि आप इंटेंशनल ही हैं, आपको पैसा वैसा कुछ लेना नहीं है, आप ये इसको राइट ऑफ तक कह रहे हैं लेके जाने तक, तो भी आपका सेटलमेंट इसी अमाउंट में होगा, प्लेस कर देती हूँ मैं। ठीक है ठीक है थैंक मैडम, यू सो थैंक यू मच सो मच डालने के सर, 10 साल मैडम। बाद भी कराएंगे ना, इसी पे करवाऊंगी सर आपका सेटलमेंट। ठीक है थैंक मैडम यू मैं जो है ना, आप एक काम करो, पता है सर बात करिए, आप बात कम सुन तो करिए, लो, आप तोड़ सुन तो दीजिए, लो, आपको फाइनल पैसे देने हैं नहीं, रखिए फोन। सुन तो जाओ, आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।